नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पलवल से। शहर थाना इलाके के जेंदीपुरा मोहल्ले में औषधि नियंत्रण विभाग और पुलिस ने नशीली दवाइयां बेचने का कारोबार करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक के घर छापेमारी की है। छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप बरामद की गई। पुलिस ने मामले में आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और विभाग ने उसके मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया है। औषधि नियंत्रक अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस के पास सूचना थी कि जेंदीपुरा मोहल्ले के एक घर में एक युवक नशे की दवाइयां बेचने का कारोबार करता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी, जिस पर विभाग ने एक टीम का गठन किया और जिस घर में नशे का कारोबार हो रहा था उस पर पुलिस के साथ साझा छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में टीम ने नशीली दवाइयों की खेप बरामद की। बाद में विभाग के अधिकारियों और पुलिस को पता चला कि इस युवक का एक मेडिकल स्टोर भी है। उसके बाद मेडिकल स्टोर पर भी छापेमारी की और मेडिकल स्टोर से भी नशीली दवाइयां बरामद हुई। विभाग में पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक की पहचान सुनील निवासी जेंदीपुरा मोहल्ले के तौर पर की। पुलिस ने आरोपी सुनील को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विभाग ने उसके मेडिकल स्टोर को सील कर जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।